हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और कुछ खास शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को। टैली प्राइम आपको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो tallysolution.com से जाकर के आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास डाउनलोड है और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही टैली प्राइम ओपन होगा अभी देख सकते हैं ये माउस का कर्सर, ये जो आपका कर्सर है यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम कौन सा एक्टिव मेन्यू है हमारा बैलेंस शीट पर हम है। तो अगर आप कीबोर्ड में होम बटन प्रेस करते हैं तो ये स्टार्टिंग में चला जाएगा। आपने यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे होम प्रेस किया तो ये स्टार्टिंग में चला गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप कहीं पे भी रहिएगा तो ये आपको स्टार्टिंग में ले जा करके छोड़ देगा। कौन? होम बटन। तो यहाँ से सीधा होम प्रेस कीजिए, आप स्टार्टिंग में चले जाएंगे। दूसरा एंड प्रेस करेंगे तो लास्ट में चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर एंड प्रेस किया तो लास्ट में आ गए, होम प्रेस किया तो एकदम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये दोनों ही शॉर्टकट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। कौन सा शॉर्टकट है ये, आइए आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप वाउचर में हैं और वाउचर में एंट्री के दौरान जब भी आपको लेजर क्रिएशन करनी हो तो आप क्या करते हैं, वाउचर में लेजर क्रिएशन के लिए हम प्रेस करते हैं अल्ट सी। क्या प्रेस करते हैं? अल्ट सी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको एक लेजर बनाना है तो आप शॉर्टकट में अल्ट सी प्रेस करेंगे तो लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप स्टॉक क्रिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, वाउचर में एंट्री के दौरान अगर आप स्टॉक क्रिएशन भी करना चाहते हैं तो यहां से आप स्टॉक क्रिएशन भी कर सकते हैं। कैसे? अल्ट सी प्रेस करके। तो काफी काम की शॉर्टकट की है अल्ट सी। यहां पे देखिए मैं आपको दिखाता भी हूं, अल्ट सी प्रेस किया, देखिए स्टॉक आइटम वाली अब विंडो ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दो चीज याद रखिएगा, एक तो यहां पर आप देख सकते हैं डबल लाइन नीचे बनी हुई है, इसका मतलब है ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, और अगर सिंगल लाइन होगी तो यही बटन आपको अल्ट के साथ दबाना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया गया है, ये देखिए मोर डिटेल के लिए क्या दिया गया है, डबल नीचे लाइन बना हुआ है, तो ये बटन कंट्रोल के साथ आई प्रेस कीजिए, देखिए मोर डिटेल वाला ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सीलेंट हेल्प प्रोवाइड करता है F1, जो फंक्शन बटन है F1, ये हमें एक्सीलेंट हेल्प प्रोवाइड करता है। अगर आप टैली में कहीं पर भी मौजूद हो और आप F1 प्रेस कीजिए तो देखिए हेल्प वाली मेन्यू ओपन हो जाती है, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं जो चाहे वो। आई होप कि ये शॉर्टकट कीज कम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी लगेंगी। और शॉर्टकट कीज मैं लेके आता रहूंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।